I've been hearing symphonies before all I heard was signs. Vishal PAC में महासागर सफर उपकरण 80,000 टन फ्लोटिंग प्लास्टिक को पकड़ने के लिए तैयार है. टॉम हैंक्स फिल्म कास्ट अवे में वॉलबॉल के बाद सिस्टम 001 को विल्सन कहा गया है. अंततः प्रशांत महासागर के पानी में एक गिगांटिक पीएसी में है और 80,000 टन फ्लोटिंग प्लास्टिक को पकड़ने के लिए तैयार है. शनिवार को सैन फ्रांसिस्को खाड़ी से ग्रेट पैसिफिक कचरा बैच तक की जाने वाली 20 पाउंड मीटर सागर सफाई डिवाइस, जो अब हवाई अड्डे और कैलिफोर्निया के बीच स्थित एक क्षेत्र को फ्रांस के आकार को कवर करता है. सिस्टम 001 गैर लाभकारी संगठन ओशन क्लीनअप द्वारा विकसित 600 मीटर लंबी फ्लोटर है, जो पानी की सतह पर बैठता है और नीचे स्थित एक पतला 3 मीटर गहरी स्कट होता है. ट्यूब को घोड़े की नाल में आकार दिया जाता है और धाराओं और हवाओं के साथ स्वाभाविक रूप से बाहर जाएगा, क्योंकि यह पानी में प्लास्टिक के बिट्स की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेगा. यह उन्हें एक छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा करेगा. फंसे हुए मलबे हर कुछ महीनों में कोर्ट द्वारा एकत्र किए जाएंगे और पुनर्नवीनीकरण के लिए भूमि पर ले जाया जाएगा. यह खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक्स में टूटने से रोकने के लिए बड़े मलबे को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है. अग्रणी प्रणाली लाल टेन रडार परावर्तक नेविगेशन संकेत GPS और विरोधी टकराव बीकन में बनाया गया है. सौर पैनल सिस्टम को शक्ति प्रदान करने में मदद करते हैं. डच नवप्रवर्तक बोयलसेट ने कहा कि उनका डिवाइस आज समुद्र को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है. डिजाइन के लिए 5 साल लग गए और 24 वर्षीय डच नवप्रवर्तक बोयलसेट ने इसका आविष्कार किया, जो उम्मीद करते हैं कि यह अपने पहले वर्ष में 80,000 टन प्लास्टिक लाएगा. यदि सफल हो तो ग्रेट पैसिफिक कचरा बैच में अधिक सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे, जहां अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में 80,000 मीट्रिक टन वजन वाले प्लास्टिक के 1.8 ट्रिलियन टुकड़े वर्तमान में हैं. लेकिन PAC में को समुद्री समुदाय के सदस्यों से भारी आलोचना मिली है, जो मानते हैं कि डिवाइस प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, जो समुद्र के नीचे डूब जाएंगे. और भी जबकि सिस्टम को नीचे जाने के लिए मछली के लिए डिजाइन किया गया है, वहां जेलीफिश जैसे जीवों की चिंताएं हैं जो पानी की सतह पर तैरती हैं, डिवाइस में बांध सकती हैं. लेकिन डच आविष्कारक बोयलसेट ने आलोचना पर वापस हिट किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत पसंद है. शोध से पता चलता है कि प्लास्टिक खुद से दूर नहीं जाता है और अगले कुछ दशकों में खंडित रहता है. अगर हम इसे अभी साफ नहीं करते हैं तो यह सब सूक्ष्म प्लास्टिक बन जाएगा और फिर हम आज की तुलना में एक बहुत खराब स्थिति में हैं. यह सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं कि इसे कैसे किया जाए. अगर बेहतर तरीके हैं तो हमें जानना अच्छा लगेगा. यदि सफल हो तो ग्रोशन क्लीनिक प्रोजेक्ट अपनी योजनाओं पर दबाव डाल रहा है और मानता है कि यह 2040 तक समुद्री प्लास्टिक का 90% निकाल सकता है.